शांता अस्पताल में भर्ती समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद आजम खान की तबीयत में सोमवार को सुधार होने पर आईसीयू से सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। उनका ऑक्सीजन स्तर सामान्य है, लेकिन संक्रमण के चलते अभी भी कोविड वार्ड में रखा गया है। प्रोटोकॉल के तहत क्रिटिकल केयर टीम की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान की तबीयत भी पहले से बेहतर है। अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर ने बताया है कि आजम खान की सेहत में पहले से काफ़ी सुधार है। आजम खान और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम खान को 9 मई की शाम को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिला कारागार सीतापुर में बंद आजम खान कोरोना संक्रमित थे। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी शिकायत थी। बेटे अब्दुल्ला आजम और आजम खान को 9 मई को लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक्सरे, सीटी स्कैन सहित कई जांचों में कोविड संक्रमण और निमोनिया की पुष्टि हुई थी। इसके बाद सांसद आजम खान और उनके बेटे को बेहतर उपचार के लिए लखनऊ में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि सोमवार को उनकी तबीयत में सुधार होने पर उन्हें आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है।